हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेरा लूना को लेकर, टेरा लूना की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और उसके प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में, और क्या टेरा लूना $1 को हिट करेगा या नहीं, या टेरा लूना क्रैश हो जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा। इस वीडियो में सारी बात करने वाले हैं टेरा लूना को लेकर, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टेरा लूना जब से डंप हुआ है तब से ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी से ट्रस्ट टूट चुका है, क्योंकि जो $100 की क्रिप्टो करेंसी थी वो अभी एक मीम टोकन बन चुकी है। और इसकी करंट प्राइस की बात की जाए तो वो है 0.000147, जो कि आज मार्केट 40% के साथ डाउनफॉल में है, और इसकी टोटल मार्केट कैप में भी 40% का डाउनफॉल आया है, और इसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई हो चुकी है 6.5 ट्रिलियन, और इसकी टोटल सप्लाई है 6.9 ट्रिलियन। और आप लोगों ने ट्विटर पे तो आपको बार बार ये दिखाता होगा कि टेरा लूना को पंप होने में 8 घंटे बचे है, 6 घंटे बचे है, टेरा लूना की प्राइस अब पंप होगी। तो टेरा लूना का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिसपे आप देख सकते हैं 1 मिलियन फॉलोअर है, उन्होंने ऑफिशियल ट्वीट करके बताया कि ये सब फेक अपडेट है, जब तक टेरा लूना की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आपको कोई न्यूज नहीं मिलता तब तक आप किसी पे भी ट्रस्ट मत कीजिएगा, ये सब फेक है। और बाइनेंस के सीईओ है सीजेड बाइनेंस, वो लगातार टेरा लूना को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने टेरा लूना को लेकर एक मुद्दा उठाया उनके सीईओ से। उन्होंने कहा कि जो टेरा लूना को रिजर्व करने के लिए जो आपने बिटकॉइन रिजर्व में रखे थे वो कहाँ है, और बाकी एसेट कहाँ है। जब टेरा लूना से पूछा गया तो टेरा लूना की फाउंडेशन गार्ड है, उन्होंने ट्वीट करके उसका भी जवाब दिया, और उन्होंने बताया कि जो टेरा लूना के लिए रिजर्व के लिए जो फंड और एसेट उन्होंने रखे थे उसमें जो बिटकॉइन था वो था 80,394 और करीबन 40,000 के करीबन BNB टोकन थे। उसमें से अभी फिलहाल टेरा लूना का स्टेबल कॉइन UCT को रिकवर करने में सब लग गए हैं, और अभी करीबन ओनली 313 बिटकॉइन बचे हुए हैं। और आप ही देखिए, जब 80,000 बिटकॉइन लग गए UCT के प्राइस को कवर करने के लिए तभी भी वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया, तो टेरा लूना कैसे रिकवर होगा। टेरा लूना से आप अभी इतना उम्मीद मत रखिएगा, आप अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा टेरा लूना में, आपका लॉस हो जाएगा, टेरा लूना की प्राइस इतना जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगी। और मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूँ, इसमें भी आप देखिए यहाँ पे भी साफ साफ लिख दिया गया है कि जो 80,000 बिटकॉइन थे टेरा लूना को रिकवरी के लिए जो रखे गए थे वो USD क्रैश में सब लगा दिए गए है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 313 बिटकॉइन बचे हुए है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। हाँ, अगर किसी ने बहुत ही जब उसका प्राइस $30-$40 पे जिस लोगों ने बाय किया है वो लोग अपना और भी $10 लॉस करके अभी कर लीजिएगा, क्योंकि आपने $100-$200 अपना लॉस कर दिया है, तो और भी आप अपना $10 लॉस कर दीजिएगा, क्योंकि पहले $100 में एक कॉइन मिलता था और अभी $1 में लाखों कॉइन मिल जाता है। जो इतने बड़े बड़े जो इसके सपोर्टर है टेरा लूना के या इसकी टीम जो को लगातार पंप करने के लिए नया नया कोशिश कर रही है, तो हो सकता है कि 10 या 20% का पंप आता है तो भी आपका ये थोड़ा बहुत आपका लॉस रिकवर करा देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा बाय कर लीजिए, लॉस ही समझ के कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसी और एक न्यू वीडियो में।